हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या कह रहा था। एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट। अब देखो, एक क्यूब है आपके पास, ठीक है सर। तो पहले मैं एक क्यूब ले लेता हूँ या एज मान लेता हूँ। एज ऑफ क्यूब, ये मैं लेट कर रहा हूँ ऐसा, कि जो एज ऑफ क्यूब है ना वो कितनी है आपके पास सर? वो ए है मेरे पास। अब बोल रहा है कि जो एज ऑफ वेरिएबल क्यूब है इज इंक्रीजिंग एट द रेट, यानी कि सर ये डीए जो है वो आपको गिवन है भाई, इंक्रीजिंग हो रही है तो इसका मतलब डेरिवेटिव हो रहा है उसका, और टाइम के रेस्पेक्ट में तो डी टी, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। बताओ समझ में आया? हाँ सर आ गया। हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, यानी क्या निकालना है? डेरिवेटिव डीवी और अपॉन डी टी क्वेश्चन मार्क। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग कर रहा है व्हेन एज इज, और एज आपको कब निकालना है, ये वाला पॉइंट कब निकालना है? एट ए इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ये वाली चीज निकलेगी, उसके साथ आपको ए की वैल्यू पुट कर देनी है। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है सर आ गया। तो हमें क्या पता है सर? हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वी नो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज कितना होता है आपके पास भैया। अगर ए साइड मान लिया आपने पास, ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग तो कितनी होगी भैया? ये हो जाएगी सर डीवी अपॉन डी टी। अब आप वी की जगह क्या रख दो सर? ए क्यूब पुट कर दो, ठीक है। इसका आप डिफरेंशिएशन करो, कितना करोगे सर? ये हो जाएगा 3a² मल्टीप्लाई डी ए अपॉन डी टी। अब डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू आपको पहले से गिवेन है, जो कि 3 है। 3 3 = 9a² हो गया। अब आपको पता है सर ए की वैल्यू मुझे 10 गिवेन है, 10 का स्क्वायर हो गया 100, यानी ये 900, और वॉल्यूम थी नहीं है तो ये सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड होगा। बताओ यूनिट लिखाना आ गया आपको समझ में, कि यूनिट किस तरीके से लगाता हूं मैं? बिल्कुल सर, हम लिख देते हैं यहाँ पे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन टेन सेंटीमीटर डीवी अपॉन डी टी इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।